आप फिक्र ना करें, मैं सारी बातों का अजाला कर दूंगी। अरे बेटा कहाँ हो, आ जाओ ना, कब से नाश्ता रखा, ठंडा हो गया। जी मैं बस एक सेकेंड आई। क्या बात है बेटे, आजकल तुम सुबह सुबह तैयार होकर बाहर निकल जाते हो। अब दुकान पे काम चल रहा है ना, इस वजह से। वैसे तो अब सारा काम तकरीबन कंप्लीट ही है, कल से इंशाल्लाह इफ्तिताह करेंगे। माशाल्लाह बहुत खुशखबरी है भाई। ये बताओ तुम्हारे दोस्त ने पैसे लौटा दिए? जी कुछ कुछ पैसे दे दिए हैं, बाकी भी दे देगा। यार मुझे उसकी नीयत में हमेशा से शक था, आइंदा सोच समझ के खर्च करना पैसे। जी वैसे आजकल घर ना मुंतहा के पैसों से चल रहा है, दुकान भी उसी के पैसों से ठीक हुई है। पर आप उसके साथ ऐसा सलूक कर रही थी? हाँ आप फिक्र ना करें, मैं सारी बातों का अजाला कर दूंगी। घर में छोटे मोटे इख्तलाफात तो हो जाते हैं। ये इख्तलाफात नहीं है, ज्यादतियां थी जो आप लोग मिलके उसके साथ कर रहे थे। ये तो शुक्र करो कि वो साबिर और शरीफ लड़की थी जो यहां बैठी रही, मैके नहीं गई। घर को दोनों फरीक मिलके चलाते हैं साजिदा बेगम, एक पे बोझ डाल दो ना तो बहुत जल्दी थक जाता है। और जैसे तुम अपनी बेटी को आराम देने के लिए कोशिश करती हो ना, मुंतहा को अपनी बेटी समझ के एक कोशिश करके देखो। अम्मा उसे जितना भी आराम देने की कोशिश करें, आप देख लीजिएगा वो फिर भी काम करने की ख्वाहिश का इजहार करेगी। चलो बेटा शुक्र है आपको इस बात का ख्याल तो आया। अरे बेटा कहाँ हो, आ जाओ ना, कब से नाश्ता रखा, ठंडा हो गया। जी मैं बस एक सेकेंड आई।